सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिया चिटकारा। तो जी हाँ, कुछ लोग ना एक्चुअली मुझसे पूछ रहे थे कि नितिन क्यों चला गया और आप लोग झूठ बोल रहे हो और ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आज की जो अनुज था ना, उनका जो छोटा चेतन जैसे बोलते हैं, तो वो था ना, वो भी एक्चुअली जा चुका है। और आपने उसके व्लॉग देखे होंगे, पहले तो राधे राधे वो गया था वृंदावन, ठीक है, उसने वृंदावन का व्लॉग बनाया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जो है ना, वो भी नितिन के साथ साथ जो है इनके घर से चला गया, ठीक है। चलिए, उसने वो वृंदावन गया, आप सबने व्लॉग भी देखे होंगे, उसने वृंदावन का जब व्लॉग बनाया ना, तो सेकंड या थर्ड व्लॉग था जिसमें उसने बोला कि अब मैं जो है व्लॉग नहीं बनाऊंगा। और उसने ये बताया कि मैंने ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया था कि सब लोग जो है सिर्फ दर्शन कर सकें, और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, मैं आगे से व्लॉग नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब को, आज अचानक से उनका एक व्लॉग आता है जिसमें वो दिल्ली आए हैं, दिल्ली के बाद जो है अपना वोल्वो बस पकड़ के आए सीधा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ भी सीधा कहाँ गए, अरमान नहीं दिखाया उन्होंने कि मैं अरमान मलिक के घर पे वापस आ गया हूँ। वो गया सीधा सीधा रीत कैलोन के सैलून पे, जी हाँ, जहाँ पे बंटी भी है, और वही बंटी जो इनके घर पे पहले काम करता था, ठीक है, इनका हेयर ड्रेसर या पर्सनल आप उसको वो बोल लो, वो था इनके घर पे, वो भी इनके घर से जा चुका है। और वो गया है रीत कहलोन के पास, वहाँ जाके अनुज ने बोला कि मुझे फेशियल करवाना है, और भाई फेशियल ऐसा कर दियो कि जब मैं घर जाऊँ ना, तो घर वाले भी बोले कि कोई लड़का आया, मतलब घर जाऊँ तो घर वाले भी बोले, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे नहीं रहने वाला, ये भी यहाँ से निकल चुका है, इनके चंगुल से जो है ये भी भाग चुका है। और उसके बाद उसने बोला कि भाई कितने का फेशियल कर दिया, तो उसने बोला भाई 4 लाख रुपए का। उसने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं जो है ना इतने पैसे नहीं दे सकता। और तो और फिर वो भीख मांगने लग गया यूट्यूब से, और जैसा कि पहले तो वो बोल रहा था कि मुझे जो है ऐसा मुझे मैं जो हूँ आगे से व्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब जो है भीख मांगने लग गया कि आप लोग जो है ना सपोर्ट करना, मुझे इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर देना कि मुझे 4-4.5 लाख रुपए मिल जाएं, ठीक है। हम चलो, उसने मजाक किया इस बात को, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में जब उसने बोला कि अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आया करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आया करेंगे इसी चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब क्या हुआ अनुज भाई साहब जी, उस दिन तो आप बोल रहे थे मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, हैं, तो अब क्या हुआ, मतलब कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी हुआ है जो कि आप डर रहे हो बताने से। और जो अरमान फैंस है ना, उनको तो पता नहीं क्यों विश्वास ही नहीं होता कि नहीं नहीं वो वैसे ही गया होगा, ये ऐसे गया होगा। भाई एक बात बताऊं, जब तक कोई बात नहीं होती ना, तब तक उस पर सवाल नहीं उठते, ठीक है। कुछ हुआ है तभी लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट किया है, वरना आज से पहले तो नहीं किया था, है ना। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि मतलब वन बाय वन जो है इनके घर से लोग जा रहे हैं। और ये भी अनुज भी ना, आई थिंक मुझे जहाँ तक मतलब शक हो रहा है, जब नितिन गया है तभी ये चला गया, क्योंकि इसकी और नितिन की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उस टाइम पे, तभी ये चला गया नितिन के साथ ही। इसने या कुछ ना कुछ नितिन या इसकी बात हुई होगी कि हमें यहाँ पे अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो है ना पोल पट्टी इनकी खुल गई है, तो भाई कहीं हम भी ना फंस जाएं, तो ठीक है चलते हैं यहाँ से। तो बस यही था आज का पॉडकास्ट, और अपनी राय ज़रूर रखना इस बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, और अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट पॉडकास्ट जो है न्यूज़ हैं चाचा के रिगार्डिंग आती रहेगी इसी चैनल पर। तो बाय बाय, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।